This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है विनय विद्याराम। तो दोस्तों, अगर आप भी रामचरण की फ़ैन हो और अगर आप विनय विद्याराम की फैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विनय विद्याराम अनुवाद की मामूली और वफादार राम की 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति त्रिनो की द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और DVV की दानिया की द्वारा निर्मित है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। संगीत की देवी त्रि प्रसाद के द्वारा रचित था। यह फिल्म कोनिगेला की रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ही क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानसा को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मर जाता है तो यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक की नकारात्मक की समीक्षा मिली और इसकी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि की स्कोर की प्रदर्शन अवास्तविक की एक्शन दूसरी और चरमोत्कर्ष के लिए बॉक्स ऑफिस बम बन गई और चरण को अपनी ही विफलता के लिए माफी पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया। कोनिगेला की रामचरण के उर्फ राम एक शिशु है जिसे चार भाइयों ने गोद लिया है। कोनिगेला की भुवन कुमार, शेखर राजू और मधुंदन की कम उम्र राम एक के अपहरणकर्ता को मार डालता है जो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वे उसके अपराधों के गवाह बन गए थे। जबकि डा कोनिगेला की सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया और वर्षों बाद राम अपने भाइयों की भाभियों और उनकी बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव की आयुक्त है। उनकी अधीन सतह के रूप में शेखर राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार की कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बल्लेम की बलराम और एक की महत्वाकांक्षी की राजनीतिक है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम की बहनोई पांडेम की परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित की परशुराम एक की एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है लेकिन तानसा के राजा भाई के द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं को बारे में सवाल करती हैं। अतीत भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपनी अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लाया जाता है।
बुआ ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक ही लड़ाई शुरू हो जाती है जहां भुवन राजा भाई के द्वारा छुरा घोपा जाता है और राम की राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार की उसे कोमा में भेज देता है और वर्तमान की यह जानने पर गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई को कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के ग्रोंगों से लड़ती है और जल्द ही एक पेड़ से एक जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देती है। त्रिशी पंजाबी जिन्होंने श्राइनोडू और जया की जानकी नायक पर बोयापति त्रेनों के साथ काम किया, प्रारंभिक की छियाकार थे। सेन्यूलिंग की संघर्षों के कारण उन्होंने अपर आउट करने से पहले आधी फिल्म की शूटिंग की। नतीजतन आर्थर ए विल्सन ने बाकी के हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्बा और दम्बू के बाद बोयापति त्रिनो ने साथ ही यह उनका चौथा सहयोग था। फिल्म थोली मुदु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी की भी प्रतीक है। विनय विद्याराम को 11 जनवरी 2019 को संक्रांति की सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हिंदी रिलीज जल्द ही आ रही है। द हिंदू की संगीत देवी डंडो ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है। विशेष रूप से इच्छुक की प्रकटा लेखनों और निर्देशनों के लिए यहाँ जानने के लिए कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 15 सितारे दिए जिसमें कहा गया है कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली बाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या डेजा वो के फैक्टर नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा की स्वतंत्रता को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 सितारे देते हुए कि कहा कि विनय विद्यारामा की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजन की व्यवसायी की एक्शन में बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति त्रिनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तक एट की ऑल और अन्य की कहानी गुरुत्वाकर्षण तक और अनय को चुनौती देती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम एसटी डाइट पर बालकृष्णा की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और असंबंध पटकथा द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस ने 5 में से 15 सितारों को यह कहते हुए दिया कि यदि कोई कथानक और कहानी को जो ध्यान देने योग्य है तो यह सभी झगड़ों गीतों की नृत्य और यादृच्छिक की अन्यन की स्वादों को बीच खो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 5 सितारे दिए और कहा फिल्म अपने आप पुरानी लगती है और यह एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब सटक के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 15 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम की दुनिया में यथावर की कोई स्थान नहीं है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास अब चेन्नई में तेलुगु फिल्म की अभिनेता चिरजीवी और उसकी पत्नी सुरेखा के घर हुआ था। उनकी दो उन बहनें की सुषमिता और त्रिजा रामचरण की सिंचा पर से सांद्री की बाला भवन चेन्नई, लॉरेंस स्कूल लॉडेल की हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट और फिर सेंट मैरी कॉलेज की हैदराबाद में हुई। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में किशोर नामित की कपूर के अभिनय स्कूल में भी भाग लिया।
2007 में चरण ने पूरी जगन्नाथ के द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म चिरुता में प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने 178 प्रत्यक्ष मूवी थिएटर और 15 अन्य की स्थानांतरित मूवी थिएटर में 50 दिन पूरे की। उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को मारने की मांग करने वाले एक प्रो की अपराधी चरण की भूमिका निभाने के उनकी प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि चरण काफी होनहार है, नृत्य और एक्शन विशेष रूप से प्रीत होता है। वह डांस नंबरों में काफी शालीन है। वह संवाद की माध्यम से अपने स्टार पिता के किसी भी अप्रत्याशित की सरदर्द से भी स्पष्ट करते रहते हैं। किसी विशेष तरीके या शैली को अपनाते हुए फिल्म में उनके ही प्रदर्शन ने उन्हें पुरुष प्रपान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दर्शी और नदी स्पेशल जूरी की पुरस्कार से नवाजे और अपनी ही दूसरी फिल्म की फंतासी फिल्म मगधीरा 2009 की रिलीज के बाद चरण ने खुद को टॉलीवुड के लिए और ही में अग्रिम के समकालीन की अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। फिल्म जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई एस राजामौली के द्वारा निर्देशित थी और चरण के प्रदर्शन को समीक्षकों की द्वारा सराहा गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि रामचरण एक बहादुर सैनिक के रूप में लौटता है और आसानी से जीवन से बड़ी भूमिका में जान फूंक देता है। वह अपने घुड़सवारी और नृत्य कौशल को पूर्णता के लिए प्रदर्शन करता है। इंडिया गिल्ट ने टिप्पणी की कि चरण ने किया है एक परिकौ की प्रदर्शन के साथ आए और उन्होंने फिल्म को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। उन्होंने दोनों पत्रों के साथ न्याय किया था और उन्होंने कई जगहों पर अपने पिता की याद दिलाई। 2013 तक सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म इससे पहले कि इसे और ट्रिनिटीन की आर डारेडी ने पार कर लिया था कि फिल्म को 2 पुरस्कारों सहित 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और चरण के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड। चरण ने 2010 में बोमारिलु की भास्कर के शहरी रोमांस आयरन में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक NRI राम के रूप में अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, समीक्षकों ने चरण की कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की। आई लव ब्रेन की जीवी ने महसूस किया कि चरण ने स्टारडम से चिपकी रहने की कोशिश नहीं की और अन्य सितारों की द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। इन वर्षों में यह एक कल्ट बन गई और इसे दर्शकों की सराहना मिली। फिल्म कंपेनियन के लिए अपने लेख में किया कि देवरा कुंडा ने अपने चतीत की तुलना 1943 की अपनियास द फाउंटेन हेड के हावर्ड रोक्स के पर्दे से 1 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वह अगली बार सपन नंदी की द्वारा निर्देशित रचा 2012 में दिखाई दिए। उन्होंने एक जुआरी बेटिंग की राज की भूमिका निभाई। फिल्म ने 13 जुलाई 2012 को पूरे आंध्र प्रदेश को 38 स्क्रीनों में 100 दिनों की दौरी पूरी की। अपने वितरकों के लिए रचा की अंतिम हिस्सा 45 करोड़ मिलियन का उसका ही 45 करोड़ मिलियन में फिल्म ने उन्हें प्रदर्शन उन्हें फिल्म फेयर और पुरस्कार समारोह में अभिनय के लिए नामांकित किया। सिफी ने कहा कि अभिनेता रामचरण और उनकी निर्देशन संपत नंदी दोनों पहले ही की मास मसाला फिल्मों के समान पैटर्न का पालन करके एक सुरक्षित खेल खेलते हैं। रेडिफ की राधिका राजमनी ने फिल्म के कथानक की आलोचना की, लेकिन चरण के प्रदर्शन के प्रशंसा के एक्शन सीक्वेंस और डांस मूवी ने लिखा कि वह चिरुनेश की झलक पहले की तुलना में अधिक दिखता है। चाहे वह उसका बैरिटोन हो या आचरण, वह प्रभाव में एक गैंगस्टार है। वह मजबूत सिकपट की मदद से वह बहुत बेहतर हो सकता था। फिल्म 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और इसे वैशाली के रूप से सफल की घोषित किया गया था। चरण 2013 में अपनी ही फिल्म जंजीर के प्रचार के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ चरण की 2013 में 2 फिल्मों की रिलीज हुई थी। उनकी पहली रिलीज नायक थी, जिसका निर्देशन वीवी विनायक ने किया था।
जिसमें उन्होंने मगधीरा के बाद एक बार फिर दोहरी भूमिका निभाई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखते हुए कार्तिकेय पुसुपिल्लैट ने लिखा कि रामचरण ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि दोनों पत्रों के बीच कोई निभिन्नता की नहीं दिखाई गई। यह मिति की आलोचनात्मक की समीक्षाओं के लिए खुला और एक वैसाही की सफलता बन गई। फिल्म ने उन्हें 2 नामांकन अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और अभिनेता तेलुगु के लिए पुरस्कार, एक बार फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता पुरस्कार के साथ लाया। उसी वर्ष उन्होंने तेलुगु हिंदी द्विभाषी फिल्म जंजीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जो इसी नाम की 1973 की फिल्म रीमेक थी। उन्होंने एसीपी विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। चरण ने जंजीर के तेलुगु संस्करण थूपन की एल्बम से चिरंजीव की भट्ट की द्वारा रचित गीत मुंबई के हीरो के साथ एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। रेडिफ ने इसे ही एक की असमय के रूप से खराब रीमेक कहा। फिल्म समीक्षक राजीव मसन ने उनकी प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि वह अपने बॉलीवुड डेब्यू में मोम के पुतले की तरह खत्म हो गए। बमूसिका की किसी भी भावना के साथ गुस्से को भूल जाओ। भारी उम्मीदों को बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस की प्रदर्शन और आलोचकों की समीक्षकों के बाद चरण ने फिर से एक हिंदी फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया। अगले वर्ष चरण को 2 रिलीज के साथ देखा गया। वामसी पीडी पल्ली की दरन निर्देशित ये वेडू 2014 की तीसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है। एक जिसने दूसरे को चेहरा प्रत्यारोपण की प्रपात की है और गलत पहचान के कारण अंडरवर्ल्ड गिरोह को लक्ष्य बन जाता है। सेंट्रल ब्रोड के लिए और 16 की कराए एक ही सिटी की क्रिकेट दिया। बेंगलोर मीडिया ने लिखा कि रामचरण के लिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बाद अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए यह वर्डू आवश्यक है। उसके चेहरे में 2 रंग है और वह विविधता लाने के लिए अपनी प्रूफ की कोशिश करता है। वह ऐसे नुतूत करता है जैसा कि कल नहीं है और कोरियोग्राफी है, देखने में आनंद आता है। सिफी के एक आलोचक ने चित्रण की चरण प्रदर्शन की तुलना उनकी पिछली फिल्म नायक और तूफान से की और टिप्पणी की कि उन्होंने यह काफ़ी अच्छा काम किया है। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने महसूस किया कि चरण ने भूमिका में अपनी अभिनय की तुलना में नृत्य दृश्यों की अच्छा प्रदर्शन किया। उसी वर्ष की दूसरी रिलीज परिवारी की ड्रामा गोविंदुंग की अंदरी व दिले थी फिल्म उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के NRI के रूप में दिखाया गया है। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक की समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 54 करोड़ या 2020 में US मिलियन की बराबर से अधिक कमाई की। संगीत देवी दंदू ने टिप्पणी की कि उन्होंने मगधीरा के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी तरह की डेकन कार्निकल के सुरेश कावरियानी ने भी प्रदर्शन की उनकी प्रशंसा की और चरण की प्रदर्शन को अच्छा और सूक्ष्म बताया। इसके बाद उन्होंने त्रिनु की वेटला की एक्शन कॉमेडी फिल्म ब्रूस ली द फाइटर 2015 में एक IB अधिकारी और एक सटन की कलाकार की भूमिका निभाई। चरण ने जुलाई 2014 की मघे में प्रियंका चोपड़ा की ट्रेनर समीरा जौरा की खतर खसखत की आहार के साथ 4-5 महीने तक चलने वाले जौर के द्वारा डिजाइन किए गए एक गहन की परिचयन कार्यक्रम का पालन करके इस फिल्म के लिए आकार में लाने के लिए काम पर रखा। उन्होंने मई 2015 की माघिया में अपनी भूमिका के लिए कराटे सीखना भी शुरू किया। भूमिका के लिए उन्होंने अपने हाथ पर ब्रूस ली के टैटू बनवाया था। फिल्म ने अपनी शुरुआती दिन में 12 से 66 करोड़ से अधिक का संग्रह किया, जो रामचरण की फिल्म के पहले दिन का उच्चतम संग्रह है। कई दिनों तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 60 करोड़ के बजट के साथ इसे बॉक्स ऑफिस बम घोषित कर दिया गया।
गया। द हिंदू की संगीदा देवी दंडू ने एक बार फिर चरण के प्रदर्शन की आलोचना की और लिखा कि चरण हमेशा की तरह एक सपने की तरह नृत्य करते हैं और एक अभिनेता के रूप में उल्लेखनीय सुधार दिखता है, लेकिन उसे ही जो चाहिए वह ऐसी ही परियोजना हो जो विशाल प्रसंग के आधार को कम नहीं करेगी। मसाला का वह अगली बार 2016 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दूर 2016 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक आईपीएस अधिकार के रूप में भूमिका निभाई। यह फिल्म एक आईपीएस की अधिकार ध्रुव की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक धनी वैज्ञानिक की सिद्धार्थ अभिमन्यु अरविंद स्वामी की द्वारा अभिनेत को गिरफ्तार करना चाहता है, जो लव के लिए गुप्त चिकित्सा और आवेद की प्रथाओं का उपयोग करता है। तमिल फिल्म थाने की ओरुवन 2015 की रीमेक फिल्म की सकारात्मक की समीक्षा के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक वैसाही की सफलता के रूप में उभरी, जिसने 21 दिनों में 85 करोड़ मिलियन से अधिक की कमाई की। द इंडियन एक्सप्रेस ने कृष्णा वामसी ने लिखा है कि अपनी कया से लेकर अपने झगड़े तक वह आपको मगधीरा की याद दिलाते हैं, उन सभी दोस्तों में जिनमें उच्च भावना की आवश्यकता होती है और जहाँ तक कि उन दोस्तों का सवाल है जहाँ उन्हें नायक के रूप में ऊंचा किया जाना था, वे अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने फिल्म में अपने सटन खुद किए, फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है विनय विद्याराम। तो दोस्तों अगर आप भी रामचरण की फैन हो और अगर आप विनय विद्याराम की फैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विनय विद्याराम अनुवाद की मामूली और वफादार राम की एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति त्रिनो की द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डीवीवी की दानिया की द्वारा निर्मित है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। संगीत की देवी त्रिवेदी प्रसाद की द्वारा रचित था। यह फिल्म कोनिगेला की रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ही क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानसा को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मर जाता है, तो यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक की नकारात्मक की समीक्षा मिली और इसकी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि की स्कोर की प्रदर्शन अवास्तविक की एक्शन दोषियों और चरमोत्कर्ष के लिए बॉक्स ऑफिस बम बन गई और चरण को अपनी ही विफलता के लिए माफी पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया। कोनिडेला की रामचरण के उर्फ राम एक शिशु है जिसे चार भाइयों ने गोद लिया है। कोनिडेला की भुवन कुमार, शेखर राजू और मधुंदन की कम उम्र राम एक के अपहरणकर्ता को मार डालता है, जो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वे उसके अपराधों की गवाह बन गए थे। जबकि डा कोनिडेला की सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया और वर्षों बाद राम अपने भाइयों की भाभियों और उनकी बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव की आयुक्त है, उनकी अधीन सतह के रूप में शेखर राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार की कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बल्लेम की बलराम और एक की महत्वाकांक्षी की राजनीतिक है, जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है, जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है।
बलराम की बहन हुई। पांडेम की परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित भी परशुराम एक ही एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानसा के राजा भाई के द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं को बारे में सवाल करती हैं। अतीत भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपनी अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लाया जाता है। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां भुवन राजा भाई के द्वारा छुरा घोपा जाता है और राम की राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार की उसे कोमा में भेज देता है और वर्तमान की यह जानने पर गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई को कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के ग्रोंगों से लड़ती है और जल्द ही एक पेड़ से एक जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देती है। त्रिशी पंजाबी जिन्होंने श्राइनोडू और जया की जानकी नायक पर बोयापति त्रेनों के साथ काम किया, प्रारंभिक की छायाकार थे। सेन्युलिंग की संघर्षों के कारण उन्होंने आउट करने से पहले आधी फिल्म की शूटिंग की। नतीजतन आर्थर ए. विल्सन ने बाकी के हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्बा और दम्बू के बाद बोयापति त्रिनो ने साथ ही यह उनका चौथा सहयोग था। फिल्म थोली मुदु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी की भी प्रतीक है। विनय विद्याराम को 11 जनवरी 2019 को संक्रांति की सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हिंदी रिलीज जल्द ही आ रही है। द हिंदू की संगीत देवी डंडो ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है। विशेष रूप से इच्छुक की प्रकटा लेखनों और निर्देशनों के लिए यहाँ जानने के लिए कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 15 सितारे दिए, जिसमें कहा गया है कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली बाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या डेजा वो के फैक्टर नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा की स्वतंत्रता को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 सितारे देते हुए कि कहा कि विनय विद्यारामा की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजन की व्यवसायी की एक्शन में बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति त्रिनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धाता बताती है तक एट की ऑल और अनय की कहानी गुरुत्वाकर्षण तक और अनय को चुनौती देती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम एसटी डाइट पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और असंबंध पटकथा द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस ने 5 में से 15 सितारों को यह कहते हुए दिया कि यदि कोई कथानक और कहानी को जो ध्यान देने योग्य है तो यह सभी झगड़ों गीतों की नृत्य और यादृच्छिक की अन्य की स्वादों को बीच खो दे
खो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 5 सितारे दिए और कहा भी अपने आप पुरानी लगती है और यह एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब सटर के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 15 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम की दुनिया में यथावर की कोई स्थान नहीं है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास अब चेन्नई में तेलुगु फिल्म की अभिनेता चिरजीवी और उसकी पत्नी सुरेखा के घर हुआ था। उनकी दो उन बहने की सुषमिता और त्रिजा रामचरण की सिंचा पर से सांद्री की बाला भवन चेन्नई, लॉरेंस स्कूल लॉर्डेल की हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट और फिर सेंट मैरी कॉलेज की हैदराबाद में हुई। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में किशोर नामित की कपूर के अभिनय स्कूल में भी भाग लिया। 2007 में चरण ने पूरी जगन्नाथ के द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म चिरुता में प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने 178 प्रत्यक्ष मूवी थिएटर और 15 अन्य की स्थानांतरित मूवी थिएटर में 50 दिन पूरे की। उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को मारने की मांग करने वाले एक प्रो की अपराधी चरण की भूमिका निभाने के उनकी प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि चरण काफी होनहार है, नृत्य और एक्शन विशेष रूप से प्रीत होता है। वह डांस नंबरों में काफ़ी सलीन है। वह सवाद की माध्यम से अपने स्टार पिता के किसी भी अप्रत्याशित की सर्दब से भी स्पष्ट करते रहते हैं। किसी विशेष तरीके या शैली को अपनाते हुए फिल्म में उनके ही प्रदर्शन ने उन्हें पुरुष प्रपान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दर्जी और नदी स्पेशल जूरी की पुरस्कार से नवाजे और अपनी दूसरी फिल्म की फंतासी फिल्म मगधीरा 2009 की रिलीज के बाद चरण ने खुद को टॉलीवुड के लिए और ही में अग्रिम के समकालीन की अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। फिल्म जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई एस राजा मौर्य के द्वारा निर्देशित थी और चरण के प्रदर्शन को समीक्षकों की द्वारा सराहा गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि रामचरण एक बहादुर सैनिक के रूप में लौटता है और आसानी से जीवन से बड़ी भूमिका में जान फूंक देता है। वह अपने घुड़सवारी और नृत्य कौशल को पूर्णता के लिए प्रदर्शन करता है। इंडिया गिल्टन ने टिप्पणी की कि चरण ने किया है एक परिकौ की प्रदर्शन के साथ आए और उन्होंने फिल्म को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। उन्होंने दोनों पत्रों के साथ न्याय किया था और उन्होंने कई जगहों पर अपने पिता की याद दिलाई। 2013 तक सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म इससे पहले कि इसे आर्ट रिनिटिन की आर डारेडी ने पार कर लिया था कि फिल्म को 2 पुरस्कारों सहित 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और चरण के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड। चरण ने 2010 में बोमारिलू की भास्कर के शहरी रोमांस आयरन में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक NRI राम के रूप में अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, समीक्षकों ने चरण की कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की। आई लव ब्रेन की जीवी ने महसूस किया कि चरण ने स्टारडम से चिपकी रहने की कोशिश नहीं की और अन्य सितारों की द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। इन वर्षों में यह एक कल्ट बन गई और इसे दर्शकों की सराहना मिली। फिल्म कंपेनियन के लिए अपने लेख में लेखिया कि देवरा कुंडा ने अपने 36 की तुलना 1943 की अपनियास द फाउंटेन हेड के हावर्ट रोक सके। पर्दे से 1 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वह अगली बार सपन नंदी की द्वारा निर्देशित रचा 2012 में दिखाई दिए। उन्होंने एक जुआरी बेटिंग की राज की भूमिका निभाई। फिल्म ने 13 जुलाई 2012 को पूरे आंध्र प्रदेश को 38 स्क्रीनों में 100 दिनों की दौरी पूरी की। अपने वितरकों के लिए रचा की अंतिम हिस्सा 45 करोड़ मिलियन का उसका ही
45 करोड़ मिलियन में फिल्म ने उन्हें प्रदर्शन उन्हें फिल्मफेयर और पुरस्कार समारोह में अभिनय के लिए नामांकित किया। सिफी ने कहा कि अभिनेता रामचरण और उनकी निर्देशन संपत नंदी दोनों पहले ही की मास मसाला फिल्मों के समान पैटर्न का पालन करके एक सुरक्षित खेल खेलते हैं। रेडिफ की राधिका राजमनी ने फिल्म के कथानक की आलोचना की, लेकिन चरण के प्रदर्शन के प्रशंसा की। एक्शन सीक्वेंस और डांस मूवी ने लिखा कि वह चिरुनेश की झलक पहले की तुलना में अधिक दिखता है, चाहे वह उसका बैरिटोन हो या आचरण। वह प्रभाव में एक गैंगस्टार है। वह मजबूत सिकपट की मदद से वह बहुत बेहतर हो सकता था। फिल्म 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और इसी वैशाही के रूप से सफल की घोषित किया गया था। चरण 2013 में अपनी ही फिल्म जंजीर के प्रचार के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ चरण की 2013 में दो फिल्मों की रिलीज हुई थी। उनकी पहली रिलीज नायक थी, जिसका निर्देशन वीवी विनायक ने किया था, जिसमें उन्होंने मगधीरा के बाद एक बार फिर दोहरी भूमिका निभाई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखते हुए कार्तिकी पुसुपेलेट ने लिखा कि रामचरण ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि दोनों पत्रों के बीच कोई निभिन्नता की नहीं दिखाई गई। यह मिति की आलोचनात्मक की समीक्षाओं के लिए खुला और एक वैशाही की सफलता बन गई। फिल्म ने उन्हें 2 नामांकन अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और अभिनेता तेलुगु के लिए पुरस्कार, एक बार फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता पुरस्कार के साथ लाया। उसी वर्ष उन्होंने तेलुगु हिंदी द्विभाषी फिल्म जंजीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जो इसी नाम की 1973 की फिल्म रीमेक थी। उन्होंने एसीपी विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। चरण ने जंजीर के तेलुगु संस्करण थूपन की एल्बम से चिरंजीव की भट्ट की द्वारा रचित गीत मुंबई के हीरो के साथ एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। रेडिफ ने इसे ही एक की असमय के रूप से खराब रीमेक कहा। फिल्म समीक्षक राजीव मसन ने उनकी प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि वह अपने बॉलीवुड डेब्यू में मोम के पुतले की तरह खत्म हो गए। बमूसिका की किसी भी भावना के साथ गुस्से को भूल जाओ। भारी उम्मीदों को बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस की प्रदर्शन और आलोचकों की समीक्षकों के बाद चरण ने फिर से एक हिंदी फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया। अगले वर्ष चरण को 2 रिलीज के साथ देखा गया। वांसी पीडी पल्ली की द्वारा निर्देशित ये वेडू 2014 की तीसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, एक जिसने दूसरे को चेहरा प्रत्यारोपण की प्रपात की है और गलत पहचान के कारण अंडरवर्ल्ड गिरोह को लक्ष्य बन जाता है। सेंट्रल ब्रॉड के लिए और 16 की कराए एक ही सिटी की क्रिकेट दिया। बेंगलोर मीडिया ने लिखा कि रामचरण के लिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बाद अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए यह वर्डू आवश्यक है। उसके चेहरे में 2 रंग है और वह विविधता लाने के लिए अपनी प्रू की कोशिश करता है। वह ऐसे नुतूत करता है जैसा कि कल नहीं है और कोरियोग्राफी है, देखने में आनंद आता है। सिफी के एक आलोचक ने चित्रण की चरण प्रदर्शन की तुलना उनकी पिछली फिल्म नायक और तूफान से की और टिप्पणी की कि उन्होंने यह काफ़ी अच्छा काम किया है। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने महसूस किया कि चरण ने भूमिका में अपनी अभिनय की तुलना में नृत्य दृश्यों की अच्छा प्रदर्शन किया। उसी वर्ष की दूसरी रिलीज परिवारी की ड्रामा गोविंदुम की अंदरी व देले थी। फिल्म उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के NRI के रूप में दिखाया है। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक की समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 54 करोड़ या 2020 में US मिलियन की बराबर से अधिक कमाई की। संगीत देवी दंदू ने टिप्पणी की कि उन्होंने मगधीरा के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी तरह की डेकन कार्निकल के सुरेश कावरियानी ने भी प्रदर्शन की उनकी प्रशंसा की और चरण की प्रदर्शन को अच्छा और सूक्ष्म बताया।
इसके बाद उन्होंने त्रिनु की वेटला की एक्शन कॉमेडी फिल्म ब्रूस ली द फाइटर 2015 में एक आईबी अधिकारी और एक सटन की कलाकार की भूमिका निभाई। चरण ने जुलाई 2014 की मघे में प्रियंका चोपड़ा की टेनर, समीरा जौरा की खतर खसखस की आहार के साथ 4-5 महीने तक चलने वाले जौर के द्वारा डिजाइन किए गए एक गहन की परिचयन कार्यक्रम का पालन करके इस फिल्म के लिए आकार में लाने के लिए काम पर रखा। उन्होंने मई 2015 की माघिया में अपनी भूमिका के लिए कराटे सीखना भी शुरू किया। भूमिका के लिए उन्होंने अपने हाथ पर ब्रूस ली के टैटू बनवाया था। फिल्म ने अपनी शुरुआती दिन में 12 से 66 करोड़ से अधिक का संग्रह किया, जो रामचरण की फिल्म के पहले दिन का उच्चतम संग्रह है। कई दिनों तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 60 करोड़ के बजट के साथ इसे बॉक्स ऑफिस बम घोषित कर दिया गया। द हिंदू की संगीता देवी दंडू ने एक बार फिर चरण के प्रदर्शन की आलोचना की और लिखा कि चरण हमेशा की तरह एक सपने की तरह नृत्य करते हैं और एक अभिनेता के रूप में उल्लेखनीय सुधार दिखता है, लेकिन उसे ही जो चाहिए वह ऐसी ही परियोजना हो जो विशाल प्रसंग के आधार को कम नहीं करेगी। मसाला का वह अगली बार 2016 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दूर 2016 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक आईपीएस अधिकार के रूप में भूमिका निभाई। यह फिल्म एक आईपीएस के अधिकार ध्रुव की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक धनी वैज्ञानिक की सिद्धार्थ अभिमन्यु अरविंद स्वामी के द्वारा अभिनीत को गिरफ्तार करना चाहता है, जो लव के लिए गुप्त चिकित्सा और आवेद की प्रथाओं का उपयोग करता है। तमिल फिल्म थाने की ओरुवन 2015 की रीमेक फिल्म की सकारात्मक की समीक्षा के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक वैसाही की सफलता के रूप में उभरी, जिसने 21 दिनों में 85 करोड़ मिलियन से अधिक की कमाई की। द इंडियन एक्सप्रेस ने कृष्णा वामसी ने लिखा है कि अपनी कया से लेकर अपने झगड़े तक वह आपको मगधीरा की याद दिलाते उन सभी दोस्तों में जिनमें उच्च भावना की आवश्यकता होती है, और जहाँ तक कि उन दोस्तों का सवाल है जहाँ उन्हें नायक के रूप में ऊंचा किया जाना था, वे अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने फिल्म में अपने सटन खुद किए। फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें ही हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है विनय विद्या राम। तो दोस्तों अगर आप भी रामचरण की फैन हो और अगर आप विनय विद्या राम की फैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विनय विद्या राम अनुवाद की मामूली और वफादार राम की एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति त्रिनु के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डीवीवी की दानिया के द्वारा निर्मित है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। संगीत की देवी त्रिवेदी प्रसाद के द्वारा रचित था। यह फिल्म कोनिगेला की रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ही क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानसा को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मर जाता है, तो यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक की नकारात्मक की समीक्षा मिली और इसकी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि की स्कोर की प्रदर्शन अवास्तविक की एक्शन दोषियों और चरमोत्कर्ष के लिए बॉक्स ऑफिस बम बन गई और चरण को अपनी ही विफलता के लिए माफी पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया।
कोनीडेला की रामचरण की उर्फ राम एक शिशु है जिसे चार भाइयों ने गोद लिया है। कोनीडेला की भुवन कुमार, शेखर राजू और मधुंदन की कम उम्र राम एक की उपहरण कर्ता को मार डालता है जो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वे उसके अपराधों की गवाह बन गए थे। जबकि डा कोनीडेला की सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया और वर्षों बाद राम अपने भाइयों की भाभियों और उनकी बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव की आयुक्त है। उनकी अधीन सतह के रूप में शेखर राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार की कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बल्लेम की बलराम और एक की महत्वाकांक्षी की राजनीतिक है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम की बहनोई पांडेम की परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित की परशुराम एक की एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानसा की राजा भाई के द्वारा भेजे गए बिहार की गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं को बारे में सवाल करती हैं। अतीत भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपनी अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लाया जाता है। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक ही लड़ाई शुरू हो जाती है जहां भुवन राजा भाई के द्वारा छुरा घोपा जाता है और राम की राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है, इस प्रकार की उसे कोमा में भेज देता है। और वर्तमान की यह जानने पर गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई को कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के ग्रोंगों से लड़ती है और जल्द ही एक पेड़ से एक जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देती है। त्रिशी पंजाबी जिन्होंने श्राइनोडू और जया की जानकी नायक पर बोयापति त्रेनों के साथ काम किया, प्रारंभिक की छियाकार थे। श्रीनिवलिंग की संघर्षों के कारण उन्होंने अपट आउट करने से पहले आधी फिल्म की शूटिंग की। नतीजतन आर्थर ए विल्सन ने बाकी के हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्बा और दम्बू के बाद बोयापति त्रिनु ने साथ ही यह उनका चौथा सहयोग था। फिल्म थोली मुधु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी की भी प्रतीक है। विनय विद्याराम को 11 जनवरी 2019 को संक्रांति की सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हिंदी रिलीज जल्द ही आ रही है। द हिंदू की संगीत देवी डंडो ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की ज़रूरत है। विशेष रूप से इच्छुक की प्रकटा लेखनों और निर्देशनों के लिए यहाँ जानने के लिए कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 15 सितारे दिए जिसमें कहा गया है कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली बाया बन जाती है।
विनय विद्याराम के साथ समस्या डेजा वू की फैक्टर नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा की स्वतंत्रता को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 सितारे देते हुए कि कहा कि विनय विद्यारामा की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजन की व्यवसायी की एक्शन में बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति त्रुने की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धाता बताती है तक एट की और अन्य की कहानी गुरुत्वाकर्षण तक और अनय को चुनौती देती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम एसटी डाइट पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनारी और असंबंध पटकथा द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस ने 5 में से 15 सितारों को यह कहते हुए दिया कि यदि कोई कथानक और कहानी को जो ध्यान देने योग्य है तो यह सभी झगड़ों गीतों की नृत्यों और यादृच्छिक की अन्यन की स्वादों को बीच खो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 5 सितारे दिए और कहा कि अपने आप पुरानी लगती है और यह एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब सटर के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 15 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम की दुनिया में यथावर की कोई स्थान नहीं है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास अब चेन्नई में तेलुगु फिल्म की अभिनेता चिरजीवी और उसकी पत्नी सुरेखा के घर हुआ था। उनकी दो बहनें की सुषमिता और त्रिजा रामचरण की सिंचा पर से सांद्री की बाला भवन चेन्नई, लॉरेंस स्कूल लॉडेल की हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट और फिर सेंट मैरी कॉलेज की हैदराबाद में हुई। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में किशोर नामित की कपूर के अभिनय स्कूल में भी भाग लिया। 2007 में चरण ने पूरी जगन्नाथ के द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म चिरुता में प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने 178 प्रत्यक्ष मूवी थिएटर और 15 अन्य की 37 मूवी थिएटर में 50 दिन पूरे की। उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को मारने की मांग करने वाले एक प्रो की अपराधी चरण की भूमिका निभाने के उनकी प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि चरण काफी होनहार है, नृत्य और एक्शन विशेष रूप से प्रीत होता है। वह डांस नंबरों में काफी सलीन है। वह सवाद की माध्यम से अपने स्टार पिता के किसी भी अप्रत्याशित की सरदर्द से भी स्पष्ट करते रहते हैं। किसी विशेष तरीके या शैली को अपनाते हुए फिल्म में उनके ही प्रदर्शन ने उन्हें पुरुष प्रपान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दर्शी और नदी स्पेशल जूरी की पुरस्कार से नवाजे और अपनी दूसरी फिल्म की फंतासी फिल्म मगधीरा 2009 की रिलीज के बाद चरण ने खुद को टॉलीवुड के लिए और ही में अग्रिम के समकालीन की अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। फिल्म जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई एस राजा मौर्य के द्वारा निर्देशित थी और चरण के प्रदर्शन को समीक्षकों की द्वारा सराहा गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि रामचरण एक बहादुर सैनिक के रूप में लौटता है और आसानी से जीवन से बड़ी भूमिका में जान फूंक देता है। वह अपने घुड़सवारी और नृत्य कौशल को पूर्णता के लिए प्रदर्शन करता है। इंडिया गिल्टज ने टिप्पणी की कि चरण ने किया है एक परिकौ की प्रदर्शन के साथ आए और उन्होंने फिल्म को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। उन्होंने दोनों पत्रों के साथ न्याय किया था और उन्होंने कई जगहों पर अपने पिता की याद दिलाई। 2013 तक सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म इससे पहले कि इसे आर्ट रिनिटिन की आर डारेडी ने पार कर लिया था कि फिल्म को 2 पुरस्कारों सहित 6 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और चरण के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड। चरण ने 2010 में बोमारिलू की भास्कर के शहरी रोमांस आयरन में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक एनआरआई राम के रूप में अभिनय किया।
हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, समीक्षकों ने चरण की कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की। आई लव ब्रेन की जीवी ने महसूस किया कि चरण ने स्टारडम से चिपकी रहने की कोशिश नहीं की और अन्य सितारों की द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। इन वर्षों में यह एक कल्ट बन गई और इसे दर्शकों की सराहना मिली। फिल्म कंपेनियन के लिए अपने लेख में लेखिया कि देवरा कुंडा ने अपने चतीत की तुलना 1943 की अपनियास द फाउंटेन हेड के हावर्ट रोक्स के पर्दे से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वह अगली बार सपन नंदी की द्वारा निर्देशित रचा 2012 में दिखाई दिए। उन्होंने एक जुआरी बेटिंग की राज की भूमिका निभाई। फिल्म ने 13 जुलाई 2012 को पूरे आंध्र प्रदेश को 38 स्क्रीनों में 100 दिनों की दौरी पूरी की। अपने वितरकों के लिए रचा की अंतिम हिस्सा 45 करोड़ मिलियन का उसका ही 45 करोड़ मिलियन में फिल्म ने उन्हें प्रदर्शन उन्हें फिल्मफेयर और पुरस्कार समारोह में अभिनय के लिए नामांकित किया। सिफी ने कहा कि अभिनेता रामचरण और उनकी निर्देशन संपत नंदी दोनों पहले ही की मास मसाला फिल्मों के समान पैटर्न का पालन करके एक सुरक्षित खेल खेलते हैं। रेडिफ की राधिका राजमणि ने फिल्म के कथानक की आलोचना की, लेकिन चरण के प्रदर्शन के प्रशंसा के एक्शन सीक्वेंस और डांस मूवी ने लिखा कि वह चिरुनेश की झलक पहले की तुलना में अधिक दिखता है। चाहे वह उसका बैरिटोन हो या आचरण, वह प्रभाव में एक गैंगस्टार है। वह मजबूत सिकपट की मदद से वह बहुत बेहतर हो सकता था। फिल्म 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और इसे वैशाही के रूप से सफल की घोषित किया गया था। चरण 2013 में अपनी ही फिल्म जंजीर के प्रचार के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ चरण की 2013 में दो फिल्मों की रिलीज हुई थी। उनकी पहली रिलीज नायक थी, जिसका निर्देशन वीवी विनायक ने किया था, जिसमें उन्होंने मगधीरा के बाद एक बार फिर दोहरी भूमिका निभाई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखते हुए कार्तिक पुसु पेलेट ने लिखा कि रामचरण ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि दोनों पत्रों के बीच कोई निभिन्नता की नहीं दिखाई गई। यह मिति की आलोचनात्मक की समीक्षाओं के लिए खुला और एक वैशाही की सफलता बन गई। फिल्म ने उन्हें 2 नामांकन अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और अभिनेता तेलुगु के लिए पुरस्कार, एक बार फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता पुरस्कार के साथ लाया। उसी वर्ष उन्होंने तेलुगु हिंदी द्विभाषी फिल्म जंजीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जो इसी नाम की 1973 की फिल्म रीमेक थी। उन्होंने एसीपी विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। चरण ने जंजीर के तेलुगु संस्करण थूपन की एल्बम से चिरंजीव की भट्ट की द्वारा रचित गीत मुंबई के हीरो के साथ एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। रेडिफ ने इसे ही एक की असमय के रूप से खराब रीमेक कहा। फिल्म समीक्षक राजीव मसन ने उनकी प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि वह अपने बॉलीवुड डेब्यू में मोम के पुतले की तरह खत्म हो गए। बमूसिका की किसी भी भावना के साथ गुस्से को भूल जाओ। भारी उम्मीदों को बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस की प्रदर्शन और आलोचकों की समीक्षकों के बाद चरण ने फिर से एक हिंदी फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया। अगले वर्ष चरण को 2 रिलीज के साथ देखा गया। वांसी पीडी पल्ली की द्वारा निर्देशित ये वेडु 2014 की तीसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, एक जिसने दूसरे को चेहरा प्रत्यारोपण की प्रपात की है और गलत पहचान के कारण अंडरवर्ल्ड गिरोह को लक्ष्य बन जाता है सेंट्रल ब्रोड के लिए और
16 की कराई, एक ही सिटी की क्रिकेट दिया। बेंगलोर मीडिया ने लिखा है कि रामचरण के लिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बाद अपनी शिस्ती स्थापित करने के लिए यवाडू आवश्यक है। उसके चेहरे में दो रंग है और वह विविधता लाने के लिए अपनी प्रू की कोशिश करता है। वह ऐसे नुतूत करता है जैसा कि कल नहीं है और कोरियोग्राफी है, देखने में आनंद आता है। सीफी के एक आलोचक ने चित्रण की चरण प्रदर्शन की तुलना उनकी पिछली फिल्म नायक और तूफान से की और टिप्पणी की कि उन्होंने यह काफ़ी अच्छा काम किया है। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने महसूस किया कि चरण ने भूमिका में अपनी अभिनय की तुलना में नृत्य दृश्यों की अच्छा प्रदर्शन किया। उसी वर्ष की दूसरी रिलीज परिवारी की ड्रामा गोविंदुम की अंदरी व देले थी फिल्म उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के NRI के रूप में दिखाया है। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक की समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 54 करोड़ या 2020 में US मिलियन की बराबर से अधिक कमाई की। संगीत देवी दंदू ने टिप्पणी की कि उन्होंने मगधीरा के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी तरह की डेकन कार्निकल के सुरेश कावरियानी ने भी प्रदर्शन की उनकी प्रशंसा की और चरण की प्रदर्शन को अच्छा और सूक्ष्म बताया। इसके बाद उन्होंने त्रिनु की वेटला की एक्शन कॉमेडी फिल्म ब्रूस ली द फाइटर 2015 में एक IB अधिकारी और एक सटन की कलाकार की भूमिका निभाई। चरण ने जुलाई 2014 की मगह में प्रियंका चोपड़ा की टेनर, समीरा जौरा की खतर खसखत की आहार के साथ 4-5 महीने तक चलने वाले जौर के द्वारा डिजाइन किए गए एक गहन की परिचयन कार्यक्रम का पालन करके इस फिल्म के लिए आकार में लाने के लिए काम पर रखा। उन्होंने मई 2015 की मगह में अपनी भूमिका के लिए कराटे सीखना भी शुरू किया। भूमिका के लिए उन्होंने अपने हाथ पर ब्रूस ली के टैटू बनवाया था। फिल्म ने अपनी शुरुआती दिन में 12 से 66 करोड़ से अधिक का संग्रह किया, जो रामचरण की फिल्म के पहले दिन का उच्चतम संग्रह है। कई दिनों तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 60 करोड़ के बजट के साथ इसे बॉक्स ऑफिस बम घोषित कर दिया गया। द हिंदू की संगीता देवी दंडू ने एक बार फिर चरण के प्रदर्शन की आलोचना की और लिखा कि चरण हमेशा की तरह एक सपने की तरह नृत्य करता है और एक अभिनेता के रूप में उल्लेखनीय सुधार दिखता है, लेकिन उसे ही जो चाहिए वह ऐसी ही परियोजना हो जो विशाल प्रसंग के आधार को कम नहीं करेगी। मसाला का वह अगली बार 2016 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दूर 2016 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक IPS अधिकार के रूप में भूमिका निभाई। यह फिल्म एक IPS की अधिकार ध्रुव की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक धनी वैज्ञानिक की सिद्धार्थ अभिमन्यु अरविंद स्वामी की द्वारा अभिनीत को गिरफ्तार करना चाहता है, जो लव के लिए गुप्त चिकित्सा और आवेद की प्रथाओं का उपयोग करता है। तमिल फिल्म थाने की ओरुवन 2015 की रीमेक फिल्म की सकारात्मक की समीक्षा के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक वैसाही की सफलता के रूप में उभरी, जिसने 21 दिनों में 85 करोड़ मिलियन से अधिक की कमाई की। द इंडियन एक्सप्रेस ने कृष्णा वामसी ने लिखा है कि अपनी कया से लेकर अपने झगड़े तक वह आपको मगधीरा की याद दिलाते उन सभी दृश्यों में जिनमें उच्च भावना की आवश्यकता होती है, और जहाँ तक कि उन दृश्यों का सवाल है जहाँ उन्हें नायक के रूप में ऊंचा किया जाना था, वे अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने फिल्म में अपने सटन खुद किए। फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें ही हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है विनय विद्या राम। तो दोस्तों अगर आप भी रामचरण की फैन हो और अगर आप विनय विद्या राम की फैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा।
विनय विद्या राम अनुवाद की मामूली और वफादार राम की 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति त्रिनो की द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और DVV की दानिया की द्वारा निर्मित है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। संगीत की देवी त्रिवेदी प्रसाद के द्वारा रचित था। यह फिल्म कोनिडेला की रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ही क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानसा को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मर जाता है, तो यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक की नकारात्मक की समीक्षा मिली और इसकी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि की स्कोर की प्रदर्शन अवास्तविक की एक्शन दूसरी और चरमोत्कर्ष के लिए बॉक्स ऑफिस बम बन गई और चरण को अपनी ही विफलता के लिए माफी पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया। कोनिडेला के रामचरण के उर्फ राम एक शिशु है जिसे चार भाइयों ने गोद लिया है। कोनिडेला की भुवन कुमार, शेखर राजू और मधुंदन की कम उम्र राम एक के उपहरण कर्ता को मार डालता है, जो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वे उसके अपराधों की गवाह बन गए थे। जबकि डा कोनिडेला की सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया और वर्षों बाद राम अपने भाइयों की भाभियों और उनकी बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव की आयुक्त है। उनके अधीन सतह के रूप में शेखर राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार की कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बल्लेम की बलराम और एक की महत्वाकांक्षी की राजनीतिक है, जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है, जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम की बहनोई पांडेम की परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित की परशुराम एक ही एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानसा के राजा भाई के द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं को बारे में सवाल करती हैं। अतीत भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपनी अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लाया जाता है। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां भुवन राजा भाई के द्वारा छुरा घोपा जाता है और राम की राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है, इस प्रकार की उसे कोमा में भेज देता है। और वर्तमान की यह जानने पर गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है।
राजा भाई को कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के गुरंगों से लड़ती है और जल्द ही एक पेड़ से एक जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देती है। त्रिशी पंजाबी जिन्होंने श्राइनोडू और जया की जानकी नायक पर बोयापति त्रेनो के साथ काम किया, प्रारंभिक की छायाकार थे। सेन्युलिंग की संघर्षों के कारण उन्होंने ऑपट आउट करने से पहले आधी फिल्म की शूटिंग की। नतीजतन आर्थर ए विल्सन ने बाकी के हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्बा और दम्बू के बाद बोयापति त्रिनो ने साथ ही यह उनका चौथा सहयोग था। फिल्म थोली मुदु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी की भी प्रतीक है। विनय विद्याराम को 11 जनवरी 2019 को संक्रांति की सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हिंदी रिलीज जल्द ही आ रही है। द हिंदू की संगीत देवी डंडो ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है। विशेष रूप से इच्छुक की प्रकटा लेखनों और निर्देशनों के लिए यहाँ जानने के लिए कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 15 सितारे दिए जिसमें कहा गया है कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली बाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या डेजा वो के फैक्टर नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा की स्वतंत्रता को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 सितारे देते हुए कि कहा कि विनय विद्यारामा की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजन की व्यवसायी की एक्शन में बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति त्रिनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धाता बताती है तक एट की और अन्य की कहानी गुरुत्वाकर्षण तक और अनय को चुनौती देती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम एसटी डाइट पर बाल कृष्णा की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनाड़ी और असंबंध पटकथा द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस ने 5 में से 15 सितारों को यह कहते हुए दिया कि यदि कोई कथानक और कहानी को जो ध्यान देने योग्य है तो यह सभी झगड़ों गीतों की नृत्यों और यादुच्छी की अन्यन की स्वादों को बीच खो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 5 सितारे दिए और कहा कि अपने आप पुरानी लगती है और यह एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब सटर के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 15 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम की दुनिया में यथावर की कोई स्थान नहीं है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास अब चेन्नई में तेलुगु फिल्म की अभिनेता चिरजीवी और उसकी पत्नी सुरेखा के घर हुआ था। उनकी दो बहनें की सुषमिता और त्रिजा रामचरण की सिंचा पर से सांद्री की बाला भवन चेन्नई, लॉरेंस स्कूल लॉडेल की हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट और फिर सेंट मैरी कॉलेज की हैदराबाद में हुई। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में किशोर नमित की कपूर के अभिनय स्कूल में भी भाग लिया। 2007 में चरण ने पूरी जगन्नाथ के द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म चिरुता में प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की जिसने 178 प्रत्यक्ष मूवी थिएटर और 15 अन्य की 37 मूवी थिएटर में 50 दिन पूरे की। उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को मारने की मांग करने वाले एक प्रो की अपराधी चरण की भूमिका निभाने के उनकी प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि चरण काफी होनहार है, नृत्य और एक्शन विशेष रूप से प्रीत होता है। वह डांस नंबरों में काफी सलीन है। वह संवाद की माध्यम से अपने स्टार पिता के किसी भी अप्रत्याशित की सरदर्द से भी स्पष्ट करते रहती है। किसी विशेष तरीके या शैली को अपनाते हुए फिल्म में उनके ही प्रदर्शन ने उन्हें पुरुष प्रापान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दर्शी
और नदी स्पेशल जूरी की पुरस्कार से नवाज है और अपनी दूसरी फिल्म की फंतासी फिल्म मगधीरा 2009 की रिलीज के बाद चरण ने खुद को टॉलीवुड के लिए और ही में अग्रिम के समकालीन की अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। फिल्म जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई एस राजामौली की द्वारा निर्देशित थी और चरण के प्रदर्शन को समीक्षकों की द्वारा सराहा गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि रामचरण एक बहादुर सैनिक के रूप में लौटता है और आसानी से जीवन से बड़ी भूमिका में जान फूंक देता है। वह अपने घुड़सवारी और नृत्य कौशल पूर्णता के लिए प्रदर्शन करता है। इंडिया गिल्टन ने टिप्पणी की कि चरण ने किया है एक परिकौ की प्रदर्शन के साथ आए और उन्होंने फिल्म को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। उन्होंने दोनों पत्रों के साथ न्याय किया था और उन्होंने कई जगहों पर अपने पिता की याद दिलाई। 2013 तक सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म इससे पहले कि इसे आर्ट रिनिटिन की आर डारेडी ने पार कर लिया था कि फिल्म को 2 पुरस्कारों सहित 6 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और चरण के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड। चरण ने 2010 में बोमारिलू की भास्कर के शहरी रोमांस आयरन में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक NRI राम के रूप में अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, समीक्षकों ने चरण की कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की। आई लव ब्रेन की जीवी ने महसूस किया कि चरण ने स्टारडम से चिपकी रहने की कोशिश नहीं की और अन्य सितारों की द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। इन वर्षों में यह एक कल्ट बन गई और इसे दर्शकों की सराहना मिली। फिल्म कंपेनियन के लिए अपने लेख में लेखिया कि देवरा कुंडा ने अपने चतीत की तुलना 1943 की अपनियास द फाउंटेन हेड के हावर्ट रोक्स के पर्दे से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वह अगली बार सपन नंदी की द्वारा निर्देशित रचा 2012 में दिखाई दिए। उन्होंने एक जुआरी बेटी की राज की भूमिका निभाई। फिल्म ने 13 जुलाई 2012 को पूरे आंध्र प्रदेश को 38 स्क्रीनों में 100 दिनों की दौरी पूरी की। अपने वितरकों के लिए रचा की अंतिम हिस्सा 45 करोड़ मिलियन का उसका ही 45 करोड़ मिलियन में फिल्म ने उन्हें प्रदर्शन उन्हें फिल्मफेयर और पुरस्कार समारोह में अभिनय के लिए नामांकित किया। सिफी ने कहा कि अभिनेता रामचरण और उनकी निर्देशन संपत नंदी दोनों पहले ही की मास मसाला फिल्मों के समान पैटर्न का पालन करके एक सुरक्षित खेल खेलते हैं। रेडिफ की राधिका राजमणि ने फिल्म के कथानक की आलोचना की, लेकिन चरण के प्रदर्शन के प्रशंसा के एक्शन सीक्वेंस और डांस मूवी ने लिखा कि वह चिरुनेस की झलक पहले की तुलना में अधिक दिखता है। चाहे वह उसका बैरिटोन हो या आचरण, वह प्रभाव में एक गैंगस्टार है। वह मजबूत सिकपट की मदद से वह बहुत बेहतर हो सकता था। फिल्म 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और इसी वैशाही के रूप से सफल की घोषित किया गया था। चरण 2013 में अपनी ही फिल्म जंजीर के प्रचार के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ चरण की 2013 में 2 फिल्मों की रिलीज हुई थी। उनकी पहली रिलीज नायक थी, जिसका निर्देशन वीवी विनायक ने किया था, जिसमें उन्होंने मगधीरा के बाद एक बार फिर दोहरी भूमिका निभाई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखते हुए कार्तिकी पुसु पेलेट ने लिखा कि रामचरण ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि दोनों पत्रों के बीच कोई निभिन्नता की नहीं दिखाई गई। यह मिति की आलोचनात्मक की समीक्षाओं के लिए खुला और एक वैशाही की सफलता बन गई। फिल्म ने उन्हें 2 नामांकन अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और अभिनेता तेलुगु के लिए पुरस्कार, एक बार फिर राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार में अभिनेता पुरस्कार के साथ लाया। उसी वर्ष उन्होंने तेलुगु हिंदी द्विभाषी फिल्म जंजीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जो इसी नाम की 1973 की फिल्म रीमेक थी। उन्होंने एसीपी विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। चरण ने जंजीर के तेलुगु संस्करण थूपन की एल्बम से चिरंत की भट्ट की द्वारा रचित गीत मुंबई के हीरो के साथ एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। रेडिफ ने इसे ही एक की असमय के रूप से खराब रीमेक कहा। फिल्म समीक्षक राजीव मसन ने उनकी प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि वह अपने बॉलीवुड डेब्यू में मोम के पुतले की तरह खत्म हो गए। बमूसिका की किसी भी भावना के साथ गुस्से को भूल जाओ। भारी उम्मीदों को बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस की प्रदर्शन और आलोचकों की समीक्षकों के बाद चरण ने फिर से एक हिंदी फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया। अगले वर्ष चरण को दो रिलीज के साथ देखा गया। वांसी पीडी पल्ले की द्वारा निर्देशित ये वेडु 2014 की तीसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, एक जिसने दूसरे को चेहरा प्रत्यारोपण की प्रपात की है और गलत पहचान के कारण अंडरवर्ल्ड गिरोह को लक्ष्य बन जाता है। सेंट्रल ब्रॉड के लिए और 16 की कराए एक ही सिटी की क्रिकेट दिया। बेंगलोर मीडिया ने लिखा है कि रामचरण के लिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बाद अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए यह वर्डु आवश्यक है। उसके चेहरे में दो रंग है और वह विविधता लाने के लिए अपनी प्रू की कोशिश करता है। वह ऐसे नुतूत करता है जैसा कि कल नहीं है और कोरियोग्राफी है, देखने में आनंद आता है। सिफी के एक आलोचक ने चित्रण की चरण प्रदर्शन की तुलना उनकी पिछली फिल्म नायक और तूफान से की और टिप्पणी की कि उन्होंने यह काफ़ी अच्छा काम किया है। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने महसूस किया कि चरण ने भूमिका में अपनी अभिनय की तुलना में नृत्य दृश्यों की अच्छा प्रदर्शन किया। उसी वर्ष की दूसरी रिलीज परिवारी की ड्रामा गोविंदू की अंदरी व देले थी। फिल्म उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के NRI के रूप में दिखाया गया है। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक की समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 54 करोड़ या 2020 में US मिलियन की बराबर से अधिक कमाई की। संगीत देवी दंदू ने टिप्पणी की कि उन्होंने मगधीरा के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी तरह की डेकन कार्निकल के सुरेश कावरियानी ने भी प्रदर्शन की उनकी प्रशंसा की और चरण की प्रदर्शन को अच्छा और सूक्ष्म बताया। इसके बाद उन्होंने त्रिनु की वेटला की एक्शन कॉमेडी फिल्म ब्रूस ली द फाइटर 2015 में एक IB अधिकारी और एक सटन की कलाकार की भूमिका निभाई। चरण ने जुलाई 2014 की मगह में प्रियंका चोपड़ा की ट्रेनर समीरा जौरा की खतर खसखत की आहार के साथ 4-5 महीने तक चलने वाले जौर के द्वारा डिजाइन किए गए एक गहन की परिचयन कार्यक्रम का पालन करके इस फिल्म के लिए आकार में लाने के लिए काम पर रखा। उन्होंने मई 2015 की मगह में अपनी भूमिका के लिए कराटे सीखना भी शुरू किया। भूमिका के लिए उन्होंने अपने हाथ पर ब्रूस ली के टैटू बनवाया था। फिल्म ने अपनी शुरुआती दिन में 12 से 66 करोड़ से अधिक का संग्रह किया, जो रामचरण की फिल्म के पहले दिन का उच्चतम संग्रह है। कई दिनों तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 60 करोड़ के बजट के साथ इसे बॉक्स ऑफिस बम घोषित कर दिया। द हिंदू की संगीता देवी दंडू ने एक बार फिर चरण के प्रदर्शन की आलोचना की और लिखा कि चरण हमेशा की तरह एक सपने की तरह नृत्य करता है और एक अभिनेता के रूप में उल्लेखनीय सुधार दिखता है, लेकिन उसे ही जो चाहिए वह ऐसी ही परियोजना हो जो विशाल प्रसंग के आधार को कम नहीं
कम नहीं करेंगी मसाला का। वह अगली बार 2016 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दूर 2016 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई। यह फिल्म एक आईपीएस की अधिकार ध्रुव की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक धनी वैज्ञानिक की सिद्धार्थ अभिमन्यु अरविंद स्वामी के द्वारा अभिनीत को गिरफ्तार करना चाहता है, जो लव के लिए गुप्त चिकित्सा और आवेद की प्रथाओं का उपयोग करता है। तमिल फिल्म थाने की ओरुवन 2015 की रीमेक फिल्म की सकारात्मक की समीक्षा के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक व्यवसायिक की सफलता के रूप में उभरी, जिसने 21 दिनों में 85 करोड़ मिलियन से अधिक की कमाई की। द इंडियन एक्सप्रेस ने कृष्णा वामसी ने लिखा है कि अपनी कया से लेकर अपने झगड़े तक वह आपको मगधीरा की याद दिलाते हैं, उन सभी दृश्यों में जिनमें उच्च भावना की आवश्यकता होती है, और जहाँ तक कि उन दृश्यों का सवाल है जहाँ उन्हें नायक के रूप में ऊंचा किया जाना था, वे अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने फिल्म में अपने सटन खुद किए, फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है विनय विद्या राम। तो दोस्तों, अगर आप भी रामचरण की फैन हो और अगर आप विनय विद्या राम की फैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विनय विद्या राम अनुवाद की मामूली और वफादार राम की एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति त्रिनो की द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और DVV की दानिया की द्वारा निर्मित है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। संगीत की देवी त्रिवेदी प्रसाद के द्वारा रचित था। यह फिल्म कोनिडेला की रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ही क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानसा को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मर जाता है, तो यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक की नकारात्मक की समीक्षा मिली और इसकी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि की स्कोर की प्रदर्शन अवास्तविक की एक्शन दोषियों और चरमोत्कर्ष के लिए बॉक्स ऑफिस बम बन गई और चरण को अपनी ही विफलता के लिए माफी पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया। कोनिडेला की रामचरण के उर्फ राम एक शिशु है, जिसे चार भाइयों ने गोद लिया है। कोनिडेला की भुवन कुमार, शेखर राजू और मधुंदन की कम उम्र राम एक के उपहरण कर्ता को मार डालता है, जो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वे उसके अपराधों की गवाह बन गए थे। जबकि डा कोनिडेला की सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया और वर्षों बाद राम अपने भाइयों की भाभियों और उनकी बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव की आयुक्त है, उनके अधीन सतह के रूप में शेखर राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार की कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बल्लेम की बलराम और एक की महत्वाकांक्षी की राजनीतिक है, जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है, जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम की बहनोई पांडेम की परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित की परशुराम एक की एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है।
राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानसा के राजा भाई के द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं को बारे में सवाल करती हैं। अतीत भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है, जो अपनी अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाती है। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लाया जाता है। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां भुवन राजा भाई के द्वारा छुरा घोपा जाता है और राम की राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार की उसे कोमा में भेज देता है और वर्तमान की यह जानने पर गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई को कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के ग्रोंगों से लड़ती है और जल्द ही एक पेड़ से एक जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देती है। त्रिशी पंजाबी जिन्होंने श्राइनोडू और जया की जानकी नायक पर बोयापति त्रेनो के साथ काम किया, प्रारंभिंग की छियाकार थे। श्रेणुलिंग की संघर्षों के कारण उन्होंने अपट आउट करने से पहले आधी फिल्म की शूटिंग की। नतीजतन आर्थर ए. विल्सन ने बाकी के हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्बा और दम्बू के बाद बोयापति त्रिनो ने साथ ही यह उनका चौथा सहयोग था। फिल्म थोली मुदु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी की भी प्रतीक है। विनय विद्याराम को 11 जनवरी 2019 को संक्रांति की सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हिंदी रिलीज जल्दी आ रही है। द हिंदू की संगीत देवी डंडो ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है। विशेष रूप से इच्छुक की प्रकटा लेखनों और निर्देशनों के लिए यहाँ जानने के लिए कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 15 सितारे दिए, जिसमें कहा गया है कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली बाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या डेजा वो के फैक्टर नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा की स्वतंत्रता को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 सितारे देते हुए कि कहा कि विनय विद्यारामा की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसे एक मनोरंजन के व्यवसाय की एक्शन में बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति त्रिनो की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धाता बताती है तक एट की और अन्य की कहानी गुरुत्वाकर्षण तक और अनय को चुनौती देती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम एसटी डाइट पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनारी और असंबन पटकथा द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस ने 5 में से 15 सितारों को यह कहते हुए दिया कि यदि कोई कथानक और कहानी को जो ध्यान देने योग्य है तो यह सभी झगड़ों गीतों की नृत्यों और यादृच्छिक की अन्यन की स्वादों को बीच खो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 5 सितारे दिए और कहा फिल्म अपने आप पुरानी लगती है और यह एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब सटक के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 15 स्टार देते हुए कहा कि
विनय विद्याराम की दुनिया में यथावर की कोई स्थान नहीं है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास अब चेन्नई में तेलुगु फिल्म की अभिनेता चिरजीवी और उसकी पत्नी सुरेखा के घर हुआ था। उनकी दो उन बहनें की सुष्मिता और त्रिजा रामचरण की सिंचा पर से सांद्री की बाला भवन चेन्नई, लॉरेंस स्कूल लॉडेल की हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट और फिर सेंट मैरी कॉलेज की हैदराबाद में हुई। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में किशोर नमित की कपूर के अभिनय स्कूल में भी भाग लिया। 2007 में चरण ने पूरी जगन्नाथ के द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म चिरुता में प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने 178 प्रत्यक्ष मूवी थिएटर और 15 अन्य की 37 मूवी थिएटर में 50 दिन पूरे की। उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को मारने की मांग करने वाले एक प्रो की अपराधी चरण की भूमिका निभाने के उनकी प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि चरण काफी होनहार है, नृत्य और एक्शन विशेष रूप से प्रीत होता है। वह डांस नंबरों में काफी सलीन है। वह संवाद की माध्यम से अपने स्टार पिता के किसी भी अप्रत्याशित की सर्दब से भी स्पष्ट करते रहते हैं। किसी विशेष तरीके या शैली को अपनाते हुए फिल्म में उनके ही प्रदर्शन ने उन्हें पुरुष प्रपान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दर्शी और नदी स्पेशल जूरी की पुरस्कार से नवाजे और अपनी दूसरी फिल्म की फंतासी फिल्म मगधीरा 2009 की रिलीज के बाद चरण ने खुद को टॉलीवुड के लिए और ही में अग्रिम के समकालीन की अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। फिल्म जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई एस राजा मौर्य के द्वारा निर्देशित थी और चरण के प्रदर्शन को समीक्षकों के द्वारा सराहा गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि रामचरण एक बहादुर सैनिक के रूप में लौटता है और आसानी से जीवन से बड़ी भूमिका में जान फूंक देता है। वह अपने घुड़सवारी और नृत्य कौशल को पूर्णता के लिए प्रदर्शन करता है। इंडिया गिल्टन ने टिप्पणी की कि चरण ने किया है एक परिकौ की प्रदर्शन के साथ आए और उन्होंने फिल्म को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। उन्होंने दोनों पत्रों के साथ न्याय किया था और उन्होंने कई जगहों पर अपने पिता की याद दिलाई। 2013 तक सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म इससे पहले कि इसे आर्ट रिनिटिन की आर डारेडी ने पार कर लिया था कि फिल्म को 2 पुरस्कारों सहित 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और चरण के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड। चरण ने 2010 में बोमारिलु की भास्कर के शहरी रोमांस आयरन में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक NRI राम के रूप में अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, समीक्षकों ने चरण की कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की। आई लव ब्रेन की जीवी ने महसूस किया कि चरण ने स्टारडम से चिपकी रहने की कोशिश नहीं की और अन्य सितारों की द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। इन वर्षों में यह एक कल्ट बन गई और इसे दर्शकों की सराहना मिली। फिल्म कंपेनियन के लिए अपने लेख में किया कि देवरा कुंडा ने अपने चतीत की तुलना 1943 की अपनियास द फाउंटेन हेड के हावर्ट रोक सके। पर्दे से 1 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वह अगली बार सपन नंदी की द्वारा निर्देशित रचा 2012 में दिखाई दिए। उन्होंने एक जुआरी बेटी की राज की भूमिका निभाई। फिल्म ने 13 जुलाई 2012 को पूरे आंध्र प्रदेश को 38 क्रेनों में 100 दिनों की दौरी पूरी की। अपने वितरकों के लिए रचा की अंतिम हिस्सा 45 करोड़ मिलियन का उसका ही 45 करोड़ मिलियन में फिल्म ने उन्हें प्रदर्शन उन्हें फिल्म फेयर और पुरस्कार समारोह में अभिनय के लिए नामांकित किया। सिफी ने कहा कि अभिनेता रामचरण और उनकी निर्देशन संपत नंदी दोनों पहले ही की मास मसाला फिल्मों में
रिम्बो के समान पैटर्न का पालन करके एक सुरक्षित खेल खेलते हैं। रेडिफ की राधिका राजमनी ने फिल्म के कथानक की आलोचना की, लेकिन चरण के प्रदर्शन के प्रशंसा की। एक्शन सीक्वेंस और डांस मूवी ने लिखा कि वह चिरुनेस की झलक पहले की तुलना में अधिक दिखता है, चाहे वह उसका बैरिटोन हो या आचरण। वह प्रभाव में एक गैंगस्टार है, वह मजबूत सिकपट की मदद से वह बहुत बेहतर हो सकता था। फिल्म 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और इसी वैशाही के रूप से सफल की घोषित किया गया था। चरण 2013 में अपनी ही फिल्म जंजीर के प्रचार के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ चरण की 2013 में दो फिल्मों की रिलीज हुई थी। उनकी पहली रिलीज नायक थी, जिसका निर्देशन वीवी विनायक ने किया था, जिसमें उन्होंने मगधीरा के बाद एक बार फिर दोहरी भूमिका निभाई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखते हुए कार्तिकी पुसुपेलेट ने लिखा कि रामचरण ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि दोनों पत्रों के बीच कोई निभिन्नता की नहीं दिखाई गई। यह मिति की आलोचनात्मक की समीक्षाओं के लिए खुला और एक वैशाही की सफलता बन गई। फिल्म ने उन्हें 2 नामांकन अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और अभिनेता तेलुगु लिए पुरस्कार, एक बार फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता पुरस्कार के साथ लाया। उसी वर्ष उन्होंने तेलुगु हिंदी द्विभाषी फिल्म जंजीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जो इसी नाम की 1973 की फिल्म रीमेक थी। उन्होंने एसीपी विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। चरण ने जंजीर के तेलुगु संस्करण थूपन की एल्बम से चिरंत की भट्ट की द्वारा रचित गीत मुंबई के हीरो के साथ एक पर्श गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। रेडिफ ने इसे ही एक की असमय के रूप से खराब रीमेक कहा। फिल्म समीक्षक राजीव मसन ने उनकी प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि वह अपने बॉलीवुड डेब्यू में मोम के पुतले की तरह खत्म हो गए। बमूसिका की किसी भी भावना के साथ गुस्से को भूल जाओ, भारी उम्मीदों को बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस की प्रदर्शन और आलोचकों की समीक्षकों के बाद चरण ने फिर से एक हिंदी फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया। अगले वर्ष चरण को 2 रिलीज के साथ देखा गया। वांसी पीडी पल्ली के द्वारा निर्देशित ये वेडू 2014 की तीसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, एक जिसने दूसरे को चेहरा प्रत्यारोपण की प्रपात की है और गलत पहचान के कारण अंडरवर्ल्ड गिरोह को लक्ष्य बन जाता है। सेंट्रल ब्रॉड के लिए और 16 की कराई एक ही सिटी की क्रिकेट दिया। बेंगलोर मीडिया ने लिखा कि रामचरण के लिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बाद अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए यह वर्डू आवश्यक है। उसके चेहरे में 2 रंग है और वह विविधता लाने के लिए अपनी प्रूफ की कोशिश करता है। वह ऐसे नुतूत करता है जैसा कि कल नहीं है और कोरियोग्राफी है, देखने में आनंद आता है। सिफी के एक आलोचक ने चित्रण की चरण प्रदर्शन की तुलना उनकी पिछली फिल्म नायक और तूफान से की और टिप्पणी की कि उन्होंने यह काफ़ी अच्छा काम किया है। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने महसूस किया कि चरण ने भूमिका में अपनी अभिनय की तुलना में नृत्य दृश्यों की अच्छा प्रदर्शन किया। उसी वर्ष की दूसरी रिलीज परिवारी की ड्रामा गोविंदू की अंदरी व देले थी। फिल्म उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के NRI के रूप में दिखाया गया है। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक की समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 54 करोड़ या 2020 में US मिलियन की बराबर से अधिक कमाई की। संगीत देवी दंदू ने टिप्पणी की कि उन्होंने मगधीरा के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी तरह की डेकन कार्निकल के सुरेश कावरियानी ने भी प्रदर्शन की उनकी प्रशंसा की और चरण की प्रदर्शन को अच्छा और सूक्ष्म बताया। इसके बाद उन्होंने त्रिनु की वेटला की एक्शन कॉमेडी फिल्म ब्रूस ली द फाइटर 2015 में एक IB अधिकारी और
एक सटन की कलाकार की भूमिका निभाई। चरण ने जुलाई 2014 की मघे में प्रियंका चोपड़ा की टेनर, समीरा जौरा की खतर खसखस की आहार के साथ 4-5 महीने तक चलने वाले जौर के द्वारा डिजाइन किए गए एक गहन की परिचयन कार्यक्रम का पालन करके इस फिल्म के लिए आकार में लाने के लिए काम पर रखा। उन्होंने मई 2015 की माघे में अपनी भूमिका के लिए कराटे सीखना भी शुरू किया। भूमिका के लिए उन्होंने अपने हाथ पर ब्रूस ली की टैटू बनवाया था। फिल्म ने अपनी शुरुआती दिन में 12 से 66 करोड़ से अधिक का संग्रह किया, जो रामचरण की फिल्म के पहले दिन का उच्चतम संग्रह है। कई दिनों तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 60 करोड़ के बजट के साथ इसे बॉक्स ऑफिस बम घोषित कर दिया गया। द हिंदू की संगीता देवी दंडू ने एक बार फिर चरण के प्रदर्शन की आलोचना की और लिखा कि चरण हमेशा की तरह एक सपने की तरह नृत्य करता है और एक अभिनेता के रूप में उल्लेखनीय सुधार दिखता है, लेकिन उसे ही जो चाहिए वह ऐसी ही परियोजना हो जो विशाल प्रसंग के आधार को कम नहीं करेगी। मसाला का वह अगली बार 2016 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दूर 2016 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक आईपीएस अधिकार के रूप में भूमिका निभाई। यह फिल्म एक आईपीएस की अधिकार ध्रुव की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक धनी वैज्ञानिक की सिद्धार्थ अभिमन्यु और विन स्वामी के द्वारा अभिनीत को गिरफ्तार करना चाहता है, जो लव के लिए गुप्त चिकित्सा और आवेद की प्रथाओं का उपयोग करता है। तमिल फिल्म थाने की ओरुवन 2015 की रीमेक फिल्म की सकारात्मक समीक्षा के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक वैसाही की सफलता के रूप में उभरी, जिसने 21 दिनों में 85 करोड़ मिलियन से अधिक की कमाई की। द इंडियन एक्सप्रेस ने कृष्णा वामसी ने लिखा है कि अपनी काया से लेकर अपने झगड़े तक वह आपको मगधीरा की याद दिलाते, उन सभी दोस्तों में जिनमें उच्च भावना की आवश्यकता होती है और जहाँ तक कि उन दोस्तों का सवाल है जहाँ उन्हें नायक के रूप में ऊंचा किया जाना था, वे अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने फिल्म में अपने सटन खुद किए। फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें ही हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है विनय विद्या राम। तो दोस्तों अगर आप भी रामचरण की फैन हो और अगर आप विनय विद्या राम की फैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। विनय विद्या राम अनुवाद की मामूली और वफादार राम की एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसे बोयापति त्रिनो के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डीवीवी की दानिया के द्वारा निर्मित है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। संगीत की देवी त्रिवेदी प्रसाद के द्वारा रचित था। यह फिल्म कोनिगेला की रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ही क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानसा को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मर जाता है तो यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक की नकारात्मक की समीक्षा मिली और इसकी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि की स्कोर की प्रदर्शन अवास्तविक की एक्शन दूसरी और चरमोत्कर्ष के लिए बॉक्स ऑफिस बम बन गई और चरण को अपनी ही विफलता के लिए माफी पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया। कोनिडेला की रामचरण के उर्फ राम एक शिशु है जिसे 4 भाइयों ने गोद लिया है। कोनिडेला की भुवन कुमार, शेखर राजू और मधुंदन की कम उम्र राम एक के अपहरणकर्ता को मार डालता है, जो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वे उसके अपराधों की गवाह बन गए थे। जबकि डा कोनिडेला की सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो
उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया। और वर्षों बाद राम अपने भाइयों की भाभियों और उनकी बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव की आयुक्त है। उनकी अधीन सतह के रूप में शेखर राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार की कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी ही उनकी सगाई हो जाती है। बल्लेम की बलराम और एक की महत्वाकांक्षी की राजनीतिक है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है, लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम की बहनोई पांडेम की परशुराम ने भुवन से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित की परशुराम एक की एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है, लेकिन तानसा की राजा भाई के द्वारा भेजे गए बिहार की गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं को बारे में सवाल करती हैं। अतीत भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपनी अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लाया जाता है। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक ही लड़ाई शुरू हो जाती है जहां भुवन राजा भाई के द्वारा छुरा घोपा जाता है और राम की राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार की उसे कोमा में भेज देता है और वर्तमान की यह जानने पर गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है। राजा भाई को कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के ग्रोंगों से लड़ते हैं और जल्द ही एक पेड़ से एक जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देते हैं। 30 पंजाबी जिन्होंने श्राइनोडू और जया की जानकी नायक पर बोयापति त्रेनो के साथ काम किया, प्रारंभिक की छायाकार थे। श्रीनिवलिंग की संघर्षों के कारण उन्होंने अपट आउट करने से पहले आधी फिल्म की शूटिंग की। नतीजतन आर्थर ए विल्सन ने बाकी के हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्बा और दम्बू के बाद बोयापति त्रिनो ने साथ ही यह उनका चौथा सहयोग था। फिल्म थोली मुदु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी की भी प्रतीक है। विनय विद्याराम को 11 जनवरी 2019 को संक्रांति की सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हिंदी रिलीज जल्द ही आ रही है। द हिंदू की संगीत देवी डंडो ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है। विशेष रूप से इच्छुक की प्रकटा लेखनों और निर्देशनों के लिए यह जानने के लिए कैसे लिखना या फिल्म बनाना नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 15 सितारे दिए जिसमें कहा गया है कि बोयापति एक कहानीकार के रूप में खुद की एक धुंधली बाया बन जाती है। विनय विद्याराम के साथ समस्या डेजा वो के फैक्टर नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि फिल्म निर्माता दर्शकों और सिनेमा की स्वतंत्रता को हल्के में लेता है। इंडिया टुडे ने 5 में से 2 सितारे देते हुए कहा कि विनय विद्यारामा की एक महत्वपूर्ण कहानी है।
जिसे एक मनोरंजन की व्यवसायी की एक्शन में बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, बोयापति त्रुणी की फिल्म के साथ बड़ी योजनाएं थी। एक योजना इतनी बड़ी है कि कहानी गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है तक एट की और अन्य की कहानी गुरुत्वाकर्षण तक और अनय को चुनौती देती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम एसटी डाइट पर बालकृष्ण की एक्शन फिल्म देखने जैसा है। अनारी और असंबंध पटकथा द न्यू इंडियन की एक्सप्रेस ने 5 में से 15 सितारों को यह कहते हुए दिया कि यदि कोई कथानक और कहानी को जो ध्यान देने योग्य है तो यह सभी झगड़ों गीतों की नृत्यों और यादृच्छिक की अन्यन की स्वादों को बीच खो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 में से 5 सितारे दिए और कहा फिल्म अपने आप पुरानी लगती है और यह एक गड़बड़ है कि रामचरण भी सभी अजीब सटक के साथ अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। फर्स्ट पोस्ट ने 5 में से 15 स्टार देते हुए कहा कि विनय विद्याराम की दुनिया में यथावर की कोई स्थान नहीं है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास अब चेन्नई में तेलुगु फिल्म की अभिनेता चिरजीवी और उसकी पत्नी सुरेखा के घर हुआ था। उनकी दो उन्हें बहने की सुषमिता और त्रिजा रामचरण की सिंचा पर से सांद्री की बाला भवन चेन्नई, लॉरेंस स्कूल लॉडेल की हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट और फिर सेंट मैरी कॉलेज की हैदराबाद में हुई। उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में किशोर नामित की कपूर के अभिनय स्कूल में भी भाग लिया। 2007 में चरण ने पूरी जगन्नाथ के द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म चिरुता में प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने 178 प्रत्यक्ष मूवी थिएटर और 15 अन्य की 37 मूवी थिएटर में 50 दिन पूरे की। उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को मारने की मांग करने वाले एक प्रो की अपराधी चरण की भूमिका निभाने के उनकी प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि चरण काफी होनहार है, नृत्य और एक्शन विशेष रूप से प्रीत होता है। वह डांस नंबरों में काफी सलीन है। वह स्वाद की माध्यम से अपने स्टार पिता के किसी भी अप्रत्याशित की सर्दब से भी स्पष्ट करते रहते हैं। किसी विशेष तरीके या शैली को अपनाते हुए फिल्म में उनके ही प्रदर्शन ने उन्हें पुरुष प्रपान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दर्जी और नदी स्पेशल जूरी की पुरस्कार से नवाजे और अपनी दूसरी फिल्म की फंतासी फिल्म मगधीरा 2009 की रिलीज के बाद चरण ने खुद को टॉलीवुड के लिए और ही मेघ अग्रिम के समकालीन की अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। फिल्म जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई एस राजामौली के द्वारा निर्देशित थी और चरण के प्रदर्शन को समीक्षकों के द्वारा सराहा गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि रामचरण एक बहादुर सैनिक के रूप में लौटता है और आसानी से जीवन से बड़ी भूमिका में जान फूंक देता है। वह अपने घुड़सवारी और नृत्य कौशल को पूर्णता के लिए प्रदर्शन करता है। इंडिया गिल्टन ने टिप्पणी की कि चरण ने किया है एक परिकौ की प्रदर्शन के साथ आए और उन्होंने फिल्म को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। उन्होंने दोनों पत्रों के साथ न्याय किया था और उन्होंने कई जगहों पर अपने पिता की याद दिलाई। 2013 तक सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म इससे पहले कि इसे आर्ट रिनिटिन की आर डारेडी ने पार कर लिया था कि फिल्म को 2 पुरस्कारों सहित 6 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु और चरण के लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड। चरण ने 2010 में बोमारिलु की भास्कर के शहरी रोमांस आयरन में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक NRI राम के रूप में अभिनय किया।
हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। समीक्षकों ने चरण की कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की। आई लव ब्रेन की जीवी ने महसूस किया कि चरण ने स्टारडम से चिपकी रहने की कोशिश नहीं की और अन्य सितारों की द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के लिए तैयार नहीं है। इन वर्षों में यह एक कल्ट बन गई और इसे दर्शकों की सराहना मिली। फिल्म कंपेनियन के लिए अपने लेख में लेखी है कि देवरा कुंडा ने अपने चतीत की तुलना 1943 की अपनियास द फाउंटेन हेड के हावर्ड रोक्स के पर्दे से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वह अगली बार सपन नंदी की द्वारा निर्देशित रचा 2012 में दिखाई दिए। उन्होंने एक जुआरी बेटी की राज की भूमिका निभाई। फिल्म ने 13 जुलाई 2012 को पूरे आंध्र प्रदेश को 38 स्क्रीनों में 100 दिनों की दौरी पूरी की। अपने वितरकों के लिए रचा की अंतिम हिस्सा 45 करोड़ मिलियन का उसका ही 45 करोड़ मिलियन में फिल्म ने उन्हें प्रदर्शन उन्हें फिल्मफेयर और पुरस्कार समारोह में अभिनय के लिए नामांकित किया। सिफी ने कहा कि अभिनेता रामचरण और उनकी निर्देशन संपत नंदी दोनों पहले ही की मास मसाला फिल्मों के समान पैटर्न का पालन करके एक सुरक्षित खेल खेलते हैं। रेडिफ की राधिका राजमणि ने फिल्म के कथानक की आलोचना की, लेकिन चरण के प्रदर्शन के प्रशंसा की। एक्शन सीक्वेंस और डांस मूवी ने लिखा कि वह चिरुनेश की झलक पहले की तुलना में अधिक दिखता है, चाहे वह उसका बैरिटोन हो या आचरण। वह प्रभाव में एक गैंगस्टार है। वह मजबूत सिकपट की मदद से वह बहुत बेहतर हो सकता था। फिल्म 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी और इसे वैशाली के रूप से सफल की घोषित किया गया था। चरण 2013 में अपनी ही फिल्म जंजीर के प्रचार के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ चरण की 2013 में दो फिल्मों की रिलीज हुई थी। उनकी पहली रिलीज नायक थी, जिसका निर्देशन वीवी विनायक ने किया था, जिसमें उन्होंने मगधीरा के बाद एक बार फिर दोहरी भूमिका निभाई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखते हुए कार्तिकी पुसु पेलेट ने लिखा कि रामचरण ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि दोनों पत्रों के बीच कोई निभिन्नता की नहीं दिखाई गई। यह मिति की आलोचनात्मक की समीक्षाओं के लिए खुला और एक वैशाही की सफलता बन गई। फिल्म ने उन्हें 2 नामांकन अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार तेलुगु और अभिनेता तेलुगु के लिए पुरस्कार, एक बार फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अभिनेता पुरस्कार के साथ लाया। उसी वर्ष उन्होंने तेलुगु हिंदी द्विभाषी फिल्म जंजीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जो इसी नाम की 1973 की फिल्म रीमेक थी। उन्होंने एसीपी विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। चरण ने जंजीर के तेलुगु संस्करण थूपन की एल्बम से चिरंजीत की भट्ट की द्वारा रचित गीत मुंबई के हीरो के साथ एक पर्श गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। रेडिफ ने इसे ही एक की अचमय के रूप से खराब रीमेक कहा। फिल्म समीक्षक राजीव मसन ने उनकी प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि वह अपने बॉलीवुड डेब्यू में मोम के पुतले की तरह खत्म हो गए। बमुशिका की किसी भी भावना के साथ गुस्से को भूल जाओ। भारी उम्मीदों को बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस की प्रदर्शन और आलोचकों की समीक्षकों के बाद चरण ने फिर से एक हिंदी फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया। अगले वर्ष चरण को 2 रिलीज के साथ देखा गया। वांसी पीडी पल्ली के द्वारा निर्देशित ये वेडू 2014 की तीसरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, एक जिसने दूसरे को चेहरा प्रत्यारोपण की प्रपात की है और गलत पहचान के कारण अंडरवर्ल्ड गिरोह को लक्ष्य बन जाता है। सेंट्रल ब्रोड के लिए और
16 की कराई, एक ही सिटी की क्रिकेट दिया। बेंगलोर मीडिया ने लिखा है कि रामचरण के लिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान के बाद अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए यह वर्ड आवश्यक है। उसके चित्र में दो रंग है और वह विविधता लाने के लिए अपनी प्रूफ की कोशिश करता है। वह ऐसे नुतूत करता है जैसा कि कल नहीं है और कोरियोग्राफी है, देखने में आनंद आता है। स्टीफी के एक आलोचक ने चित्रण की चरण प्रदर्शन की तुलना उनकी पिछली फिल्मों नायक और तूफान से की और टिप्पणी की कि उन्होंने यह काफ़ी अच्छा काम किया है। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने महसूस किया कि चरण ने भूमिका में अपनी अभिनय की तुलना में नृत्य दृश्यों की अच्छा प्रदर्शन किया। उसी वर्ष की दूसरी रिलीज परिवारी की ड्रामा गोविंदुंग की अंदरी व देले थी फिल्म उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के NRI के रूप में दिखाया गया है। फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक की समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ 54 करोड़ या 2020 में US मिलियन की बराबर से अधिक कमाई की। संगीत देवी दंदू ने टिप्पणी की कि उन्होंने मगधीरा के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसी तरह की डेकन कार्निकल के सुरेश कावरियानी ने भी प्रदर्शन की उनकी प्रशंसा की और चरण की प्रदर्शन को अच्छा और सूक्ष्म बताया। इसके बाद उन्होंने त्रिनु की वेटला की एक्शन कॉमेडी फिल्म ब्रूस ली द फाइटर 2015 में एक IB अधिकारी और एक सटन की कलाकार की भूमिका निभाई। चरण ने जुलाई 2014 की मघे में प्रियंका चोपड़ा की टेनर, समीरा जौरा की खतर खसखत की आहार के साथ 4-5 महीने तक चलने वाले जौर के द्वारा डिजाइन किए गए एक गहन की परिचयन कार्यक्रम का पालन करके इस फिल्म के लिए आकार में लाने के लिए काम पर रखा। उन्होंने मई 2015 की माघे में अपनी भूमिका के लिए कराटे सीखना भी शुरू किया। भूमिका के लिए उन्होंने अपने हाथ पर ब्रूस ली का टैटू बनवाया था। फिल्म ने अपनी शुरुआती दिन में 12 से 66 करोड़ से अधिक का संग्रह किया, जो रामचरण की फिल्म के पहले दिन का उच्चतम संग्रह है। कई दिनों तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 60 करोड़ के बजट के साथ इसे बॉक्स ऑफिस बम घोषित कर दिया। द हिंदू की संगीता देवी दंडू ने एक बार फिर चरण के प्रदर्शन की आलोचना की और लिखा कि चरण हमेशा की तरह एक सपने की तरह नृत्य करता है और एक अभिनेता के रूप में उल्लेखनीय सुधार दिखता है, लेकिन उसे ही जो चाहिए वह ऐसी ही परियोजना हो जो विशाल प्रसंग के आधार को कम नहीं करेगी। मसाला का वह अगली बार 2016 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दूर 2016 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक IPS अधिकार के रूप में भूमिका निभाई। यह फिल्म एक IPS की अधिकार ध्रुव की कहानी का अनुसरण करती है, जो एक धनी वैज्ञानिक की सिद्धार्थ अभिमन्यु अरविंद स्वामी के द्वारा अभिनीत को गिरफ्तार करना चाहता है, जो लव के लिए गुप्त चिकित्सा और आवेद की प्रथाओं का उपयोग करता है। तमिल फिल्म थाने की ओरुवन 2015 की रीमेक फिल्म की सकारात्मक की समीक्षा के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक वैसाही की सफलता के रूप में उभरी, जिसने 21 दिनों में 85 करोड़ मिलियन से अधिक की कमाई की। द इंडियन एक्सप्रेस ने कृष्णा वामसी ने लिखा है कि अपनी काया से लेकर अपने झगड़े तक वह आपको मगधीरा की याद दिलाते उन सभी दृश्यों में जिनमें उच्च भावना की आवश्यकता होती है और जहाँ तक कि उन दृश्यों का सवाल है जहाँ उन्हें नायक के रूप में ऊंचा किया जाना था, वे अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने फिल्म में अपने सटन खुद किए, फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की सुपर स्टार रामचरण की करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है विनय विद्या राम। तो दोस्तों, अगर आप भी रामचरण की फैन हो और अगर आप विनय विद्या राम की फैन मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा,
विनय विद्या राम अनुवाद की मामूली और वफादार राम की 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे बोयापति त्रिनो के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और डीवीवी की दानिया के द्वारा निर्मित है। फिल्म में रामचरण, विवेक ओबेरॉय और कियारा आडवाणी है। संगीत की देवी त्रि प्रसाद के द्वारा रचित था। यह फिल्म कोनिगेला की रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ही क्रोधित युवक है जो बिहार में एक तानसा को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब उसके प्रियजनों की जान को खतरा होता है और उसका बड़ा भाई मर जाता है तो यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को तमिल और मलयालम में डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से अत्यधिक की नकारात्मक की समीक्षा मिली और इसकी पुरानी कहानी पटकथा पृष्ठभूमि की स्कोर की प्रदर्शन अवास्तविक की एक्शन दूसरी और चरमोत्कर्ष के लिए बॉक्स ऑफिस बम बन गई और चरण को अपनी ही विफलता के लिए माफी पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया। कोनिडेला की रामचरण के उर्फ राम एक शिशु है जिसे चार भाइयों ने गोद लिया है। कोनिडेला की भुवन कुमार, शेखर राजू और मधुंदन की कम उम्र राम एक के उपहरण कर्ता को मार डालता है जो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वे उसके अपराधों की गवाह बन गए थे। जबकि डा कोनिडेला की सुब्रमण्यम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया और वर्षों बाद राम अपने भाइयों की भाभियों और उनकी बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। भुवन अब राम के साथ एक मुख्य चुनाव की आयुक्त है। उनकी अधीन सतह के रूप में शेखर राजू और मधुनंदन के साथ राम को बाद में महिला अधिकार की कार्यकर्ता पप्पी की बेटी सीता से प्यार हो जाता है और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। बल्लेम की बलराम और एक की महत्वाकांक्षी की राजनीतिक है जो भुवन को रिश्वत देने की कोशिश करता है क्योंकि भुवन ने उसका काला धन जब्त कर लिया था। हालांकि भुवन मना कर देता है जो बलराम को बदनाम करता है और उसे धमकी देता है लेकिन राम उसे मीडिया के सामने वापस धमकी देता है। बलराम की बहनोई पांडेम की परशुराम ने भुवन से माफ़ी मांगने के लिए कहा लेकिन राम ने उसे धमकाया और पीटा। अपमानित की परशुराम एक की एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट शंकर के पास जाता है। शंकर राम के परिवार को बंधक बना लेता है। राम परशुराम से माफ़ी मांगने के लिए मौके पर पहुंचता है लेकिन तानसा के राजा भाई के द्वारा भेजे गए बिहार के गुंडों का सामना करता है। उन सभी को अंजाम देने के बाद गायत्री देवी राम की बड़ी भाभी और भुवन की पत्नी राम से घटनाओं को बारे में सवाल करती हैं। अतीत भुवन को वास्तव में चुनाव आयुक्त के रूप में बिहार भेजा जाता है जो अपनी अधीनस्थों के साथ बिहार की यात्रा करता है। राम मंदिर जाने के लिए अपने परिवार और सीता के साथ गुजरात जाते हैं। जब भुवन बिहार पहुंचता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास लाया जाता है। भुवन ने राम को कॉल किया जो एयरपोर्ट पर था। राम मौके पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अकेले ही 300 आदमियों को ख़त्म कर देता है जहां उसे पकड़ लिया जाता है और राजा भाई के पास ले जाया जाता है। एक ही लड़ाई शुरू हो जाती है जहां भुवन राजा भाई के द्वारा छुरा घोपा जाता है और राम की राजा भाई को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस प्रकार की उसे कोमा में भेज देता है और वर्तमान की यह जानने पर गायत्री तबाह हो जाती है और राम से उसे भुवन की चिंता और बाद में राजा भाई के पास ले जाने के लिए कहती है।
राजा भाई को कोमा से ठीक हो जाते हैं और गायत्री उन्हें राम से लड़ने की चुनौती देती है। राम राजा भाई के ग्रोंगों से लड़ते हैं और जल्द ही एक पेड़ से एक जुड़ी तलवार से राजा भाई का सिर काट देते हैं। त्रिशि पंजाबी जिन्होंने श्राइनोडू और जया की जानकी नायक पर बोयापति त्रेनो के साथ काम किया, प्रारंभिक की छायाकार थे। सेन्युलिंग की संघर्षों के कारण उन्होंने आउट करने से पहले आधी फिल्म की शूटिंग की। नतीजतन आर्थर ए विल्सन ने बाकी के हिस्सों को पूरा किया। भद्रा सिम्बा और दम्बू के बाद बोयापति त्रिनो ने साथ ही यह उनका चौथा सहयोग था। फिल्म थोली मुदु 1993 के बाद लगभग 25 वर्षों के बाद तेलुगु फिल्मों तमिल अभिनेता प्रशांत की वापसी की भी प्रतीक है। विनय विद्याराम को 11 जनवरी 2019 को संक्रांति की सप्ताह के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हिंदी रिलीज जल्द ही आ रही है। द हिंदू की संगीत देवी डंडो ने लिखा कि विनय विद्याराम एक अनूठी फिल्म है जिसे देखने की जरूरत है। विशेष रूप से इच्छुक की प्रकटा लेखनों और निर्देशनों के लिए यहाँ जानने के लिए कैसे लिखना या फिल्म बनाना